नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ में चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्टेट का या फिर एम्स का, तो आपको इस कोर्स में एनरोल कर जाना है और इसके लिए आपको पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए जो आज की वीडियो है इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए 20/9/2017 को जो है ये आपका यहां पर एम्स नई दिल्ली का जो है वो यहां पर आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कितने नंबर पे जो है वो फार्मासिस्ट ग्रेड टू में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ और इस नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि अभी जो भी यहाँ पर एम्स का आपका यहाँ पर पटना का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद अभी एम्स रायपुर का एग्जामिनेशन है 4 सितंबर को, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने नंबर लाने पर आप अपना सिलेक्शन कन्फर्म मान के चलें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया गया है 4 और ये आपका यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर एम्स नई दिल्ली का एग्जामिनेशन हुआ था ये आपका 200 नंबर का हुआ था। ठीक है, ये आपका 200 नंबर का हुआ था और इस समय अभी जो आपका यहाँ पर एम्स पटना का एग्जामिनेशन हुआ है वो यहाँ पर 100 नंबर का हुआ है। तो हम यहाँ पर परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है अंजलि आर्या, इनका जो है वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो इनको 200 में से 123 नंबर मिला हुआ। ठीक है, 123 × 100 बराबर, उसके बाद हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 200 से। तो देखिए इनका सिलेक्शन 61.5% नंबर पे हो गया, मतलब अभी जो इस समय आपका एम्स पटना का एग्जामिनेशन हुआ है ये आपका 100 नंबर का हुआ है, तो अगर इसमें आपका नंबर 61 या फिर आपका 60 अबव अगर आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपका नंबर 60 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन कंफर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पर एम्स का एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके अंदर कट ऑफ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जाने की संभावना जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। 60 से 62 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट सॉल्व कर पाता है और एम्स पटना के अंदर फार्मासिस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप में टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यह गया अबूजर नाकी, यहाँ पर दिया गया इनका भी जो है वो यहाँ पर इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो 119 × 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाई, एक बार हम इसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसका भी परसेंटेज हमने निकाल लिया है, तो इनका सिलेक्शन हुआ है 59.5 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दिया गया 112.33 × 100 = 200, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन जो है वो 56 नंबर पर हुआ। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिजल्ट दिया गया है, ये आपका रिजल्ट दिया गया है 20/9/2017 को। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आपका 100 नंबर का अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और अगर आपका 60 नंबर या फिर 60 अबव है तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मान के चलें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया ओबीसी में दिया गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर 96.33 दिख रहा होगा, 96.333 × 100, और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं 200 से, तो यहाँ पर इनका 76 नंबर पे जो है 96.33 × 100, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 200 से, तो ये जो है वो यहाँ पर 48 नंबर पे जो है वो यहाँ पर ये सिलेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, तो 200 में से जो है वो यहाँ पर आपका यहाँ पर इनको यहाँ पर 96 नंबर मिला हुआ। ठीक है, तो इसका अगर हम यहाँ पर परसेंटेज निकालें तो ये आपका रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो यहाँ पर ओबीसी में आपका, ठीक है, 48 नंबर पे भी जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है 2017 का। इसके बाद हम यहाँ पर 2020 का जो यहाँ पर रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है। तो देखिए 2021 में भी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी में दिया गया है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर 80 कैटेगरी का था और यहाँ पर दिया गया ओबीसी कैटेगरी का था। तो देखिए इसको यहाँ पर 200 में से इसको 131 नंबर मिला हुआ। ठीक है, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो इसको 65.5 नंबर मिला हुआ। ठीक है, तो अगर ये आपका पेपर 100 नंबर का होता तो अगर आपको यहाँ पर 65.5 नंबर मिला होता तो आपकी रैंक एक आती, आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर उसी तरह जो है वो यहाँ पर 130 नंबर पे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 130 × 100, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं आपका 200 से, तो यहाँ पर 65 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। ठीक है,
तो अभी एम्स पटना का एग्जामिनेशन हुआ है 100 नंबर का हुआ, तो अगर आपका नंबर 60+ है तो आपका सिलेक्शन समझिए कि कंफर्म है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है ओबीसी का दिया गया, और यहाँ पर आपका दिया गया है ईडब्ल्यूएस का दिया गया है, और यहाँ पर एसटी में कितने पे सिलेक्शन हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 94.667 × 100, और इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 200 से। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन है, अगर आपके यहाँ पर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपका यहाँ पर एससी में जो है वो आपका 45 से 50 नंबर के बीच में जो है वो यहाँ पर एम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको अनुमान लग गया होगा कि देखिए मेरिट जो है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, और अभी जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है 100 नंबर का हो रहा है, अगर आप इसमें 60 नंबर आराम से ला देते हैं तो आपका जनरल कैटेगरी से भी जो है वो आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, कोर्स में एनरोल नहीं है, तो आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर लें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, साथ में आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।